हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MGS टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से टेक्निकल गुरुजी जैसा लोगो कैसे बना सकते हैं या उससे भी अच्छा लोगो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरा देखने के बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी जिसका नाम है PicsArt। आप वो गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, PicsArt ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा ड्रा समथिंग, आपको उस पर क्लिक करना होगा। ड्रा में जाने के बाद दोस्तों, हमें क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। क्रिएट न्यू के बाद हमें थोड़ा साइड में जाना होगा, वहाँ पे आ रहा होगा कस्टम साइज। दोस्तों, कस्टम साइज में हम 1536 और 1536 डाल लेंगे। चलिए अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट इमेज पे क्लिक करना है। तो हमारी एडिटिंग स्क्रीन खुल चुकी है। अब आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट में आपका जो भी पहला चैनल का नाम हो उसे आप इंटर कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टी ले लिया। तो चलिए हम यहाँ पे टेक्निकल चैनल का बना के दिखाते हैं आपको। अब आपको कलर ब्लैक ले लेना होगा और उसका फॉन्ट ये वाला। चलिए अब हम इसे बीच में सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब आपको क्लिक करना होगा ओके पर। ओके करने के बाद दोस्तों, हमें ड्रॉ में जाना होगा। ड्रॉ में जाने के बाद हमें यहाँ से कलर सबसे पहले लेना होगा वाइट। तो चलिए वाइट कलर ले लेते हैं। अब दोस्तों, हमें यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट करना होगा। स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद अब इसे जब नीचे पुल करेंगे तो आपको फिल का निशान आ रहा होगा। फिल पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब दोस्तों, हमें बीच में एक कट लगा देना है टेक्निकल गुरुजी जैसा। तो चलिए हम एक कट लगा लेते हैं। ऐसे करके आप कट लगा लें, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कट लगा सकते हैं। अब ये बाकी का हम थोड़ा सही से पतला कर लेते हैं, जो सही लगे। तो चलिए कर लेते हैं। हमारा टी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दोस्तों फिर से टेक्स्ट में जाना है और अगला नेम लेना है सी फॉर चैनल। तो चलिए सी ले लेते हैं और हम इसका कलर डार्क ऑरेंज ले लेते हैं और इसका फॉन्ट लास्ट में होगा, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये वाला फॉन्ट आप ले लीजिए और इसे बिल्कुल परफेक्ट से इसके साइज़ का ही से सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए इसको उसके साइज़ के हिसाब से रख देते हैं। ये देखिए, ओके कर दीजिए, हो गया। अब हमें फिर से ड्रॉ में जाना होगा। ड्रॉ में जाने के बाद जो ये सी इसके ऊपर आ गया है, इसे भी हम वैसे ही करके वाइट कलर लेके उतना कट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, फाइनली हमारा टी और सी लिख चुका है। अब दोस्तों, हमें नीचे लिखना होगा टेक्निकल। तो चलिए फिर से टेक्स्ट में आ जाइए और टेक्निकल लिख लीजिए। टेक्निकल हमारा लिख चुका है। अब दोस्तों, में वापस से ड्रॉ में जाना होगा। तो चलिए, और हमें कलर जो है सी के जैसा लेना होगा। तो चलिए सी वाला कलर ले लेते हैं हम। इस पर क्लिक करिए और इसे सी पर क्लिक करिए, आपका कलर वैसा ही हो जाएगा। हो गया। अब दोस्तों, में वापस से स्क्वायर लेना है और नीचे एक पट्टी सी बना देना है। अब दोस्तों, वाइट कलर ले लीजिए और पट्टी का जो साइड में कट लगा होता है उसे हम कट कर देते हैं। चलिए,
अब ओके कर दीजिए। वापस से टेक्स्ट में आ जाइए और यहाँ पे चैनल लिख दीजिए। अब हमारा टेक्निकल चैनल हो चुका है, अब हमें इसे ज़रूरत है इसे गोल करने की। तो चलिए टूल्स में आ जाइए। टूल्स में जाने के बाद एक शेप क्रॉप का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करिए और आप सर्किल वाला सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सर्किल सिलेक्ट करके इसे बड़ा कर लेते हैं इसके साइज़ का, और यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा लोगो बन चुका है, अब इसे आप यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।